वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूस सीरीज पे हम हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद एक्सक्लूसिव सीरीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। और आज भी जैसा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को देख के समझ पा रहे हैं कि एब्सोल्यूट डेटा गिवन नहीं है आपका, डेटा एक रेंज में गिवन है। और जब भी डेटा के रेंज में होता है वो एक कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका जो इंटरवल है, जो आपका लिमिट है, जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट का जो लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच में गैप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्सक्लूसिव सीरीज नहीं, ये इंक्लूसिव सीरीज है। और मैंने कहा था आपको कि कभी भी आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करना हो तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज के थ्रू ही कैलकुलेट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि यहाँ पर आप इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में ट्रांसफर करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में किस तरीके से इसको आप ट्रांसफर करेंगे, आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स को जो कि इंक्लूसिव है, उसको डेटा को एक्सक्लूसिव में लेकर आना होगा और इसके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, तो फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहेगा। और उसके बाद आपको उसका मिड वैल्यू निकालना है। उसके बाद मेथड कौन सा लगाएंगे आप, वो आपके ऊपर है। आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड लगाइए। मेरा मानना है कि जब मेथड मेंशन नहीं है और आपके पास में कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लीजिए, कैलकुलेशन लंबा होने दीजिए, दिक्कत क्या है, आप नहीं कर रहे हैं, वो तो कैलकुलेटर कर रहा है। स्टेप्स आपके बचेंगे, टाइम आपका सेव होगा। ये आपके पास में इंटरवल है बच्चे, हाँ देखें जरा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपर लिमिट क्या है फर्स्ट का 19 और सेकंड का लोअर लिमिट क्या है 20, तो इसके बीच में गैप क्या है, 1 का गैप है। इस गैप को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो रिजल्ट क्या है 0.5। अब सबके में आप क्या करोगे, 0.5 आप माइनस करोगे तो आपके पास में आएगा 9.5 और 0.5 प्लस करोगे तो 19.5। ये आपके पास में मार्क्स है एक्स कॉलम। नेक्स्ट में भी ऐसे करोगे तो आपका 19.5, और बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर दिया एक्सक्लूसिव में, आप इसको लिखो 10 का गैप है, 10 का गैप लेके चलो 29.5, 39.5, 40.9.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5। क्लियर है बच्चे, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, तो फ्रीक्वेंसी ही रहने देते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक्सक्लूसिव में आने के बाद आप क्या करते हैं, आप मिड वैल्यू लेते हैं। मिड वैल्यू का मतलब इनका सम डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इनका सम करते हैं तो 19.5, 20, 29 आपके पास में आ गया और आपके पास में 14.9। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। और आपका 10 का गैप है, 10 का गैप देते चले जाइए आप सब में। तो 24.5, 34.5 एंड 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 और यहां पर आपके पास में है 84.5 और आपके पास में 94.5। 10 का गैप आप यहां पर देते हुए चलेंगे, क्योंकि सब में आपके मिड वैल्यू में 10 का गैप है, 10 का गैप लेके चलेंगे। अब डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो यहां पर फ्रीक्वेंसी आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, तो फ्रीक्वेंसी का सम तो आपको करना ही है, जो कि ऑलरेडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मेंशन है ऊपर कि 140 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, तो सिग्मा एफ आपका करोगे तो आपके पास में 140 ही आएगा। क्लियर है बच्चे,
अब आप यहां पर एफ फ्रीक्वेंसी आएगा, साथ में मल्टीप्लाई आएगा। मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूं तो मेरे पास में सिर्फ एम की इंपॉर्टेंस है, तो मैं एफ एम कर लेता हूं। तो आइए कोई भी मेथड कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अगर पर्टिकुलर कोई मेथड मेंशन नहीं है तो आपके ऊपर, आप किस मेथड को लेके चलते हो, डायरेक्ट लेके चलते हैं ताकि स्टेप्स उतने फॉलो ना हो। 101.5 आगे आप सॉल्व करेंगे, आप कोई भी नंबर माइनस कर देते तो आपका 0.5 सब में से आप एलिमिनेट हो जाता, तो छोड़िए लेकिन करते चलिए। अब 15 × 24.5 × 24.5 3 6 7.5 34.5 × 18 621। देखिए स्टैट्स में यही चीजें जो आसान है, क्या कि बड़े बड़े कैलकुलेशन यहां पर आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो कैलकुलेटर ही आपका आपको करके देगा। आज बच्चे वीडियो ठीक है, 44.5 × 25 समीशन एफ उसका जिसको एफ मल्टीप्लाई करेगा एफ एम का, तो आपके पास में आएगा 101.5 + 36.7.5 + 62 + 1112.5 + 1635 + 1635 + 1290 + 1192 + 591.5 + 189, तो 7100। अब आप मीन निकाल रहे हैं तो x इक्वल्स टू समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ, तो समीशन एफ एम ऑलरेडी आपके पास में अब है 7100 और समीशन एफ आपके पास में है 140 एंड x बार इक्वल्स टू 7100/140। तो सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 140, तो x बार इक्वल्स टू 50.71। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका क्या टॉपिक है, ये आपका क्या आ गया, मेन आपका आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो समझ में आपको आ गया, एक ही चीज़ बार बार हम रिपीट करके पढ़ रहे हैं वो ठीक है, आपको एक बार याद आ जाएगा, क्योंकि स्पीड हमें आगे पकड़नी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड हमें आगे पकड़नी है क्योंकि यही आपका बेस है। यहाँ थोड़ा स्पीड और जल्दबाजी और टॉपिक में थोड़ी तेजी कर दी और कुछ प्रॉब्लम होगी तो आगे समझाना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ जी, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 और आपके पास में, बट द फ्रीक्वेंसी इज एफ वन एंड एफ टू इन ए क्लास 20 to 20 40, एफ वन एंड 60 to 80, एफ टू आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको यहां पर बच्चे क्या फाइंड करना है, आपको यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। देखिएगा कैसे आप करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका क्या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, हाँ बिल्कुल, डेटा एब्सोल्यूट गिवन नहीं है, इंटरवल में है। क्या एक्सक्लूसिव का एक्सक्लूसिव पार्ट है, बिल्कुल आपका एक्सक्लूसिव पार्ट है, जो एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आइए आपके पास में तो यहां पर मीन आपका ऑलरेडी गिवन है, तो आप
एक तो एम निकालेंगे और एम डायरेक्ट मेथड ही, जब भी कभी फ्रीक्वेंसी मिस कर दे तो आप डायरेक्ट मेथड ही लेके चले। बच्चों बोलो, कमेंट के थ्रू बोलो बेटा जो बोलना है आपको। आगे आप देखेंगे तो यहां पर मिड वैल्यू निकालेंगे और जो ही बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग क्लासेस देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे आप लाइव क्लासेस देखा करो, फिर बाद में आपकी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम टाइम में, फिर उसको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और लाइव क्लासेस ले क्यों रहे एक बार बताओ, ये तो मेरे पास पूरी क्लासेस रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं, फिर मैं आके क्यों मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि आप नए बच्चे हैं तो आपके डाउट्स नए होंगे, जरूरी नहीं वही डाउट्स होंगे जो पिछली बार बच्चों ने पूछे होंगे, तो इसलिए तो मुझे दोबारा आकर के लाइव क्लासेस लेनी पड़ रही है। ये तो एक दिन में मैं पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कोर्स अपलोड मार दूं, इस पे आप अपने हिसाब से क्लास मैनेज करेंगे, लेकिन उसका मजा नहीं है ना, क्योंकि एकदम से आप घबरा भी जाएंगे और एकदम से सोचेंगे क्या करें क्या नहीं करें, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास में रहेगी नहीं। तो इसलिए आप लाइव क्लासेस के थ्रू ही पढ़ें। और मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस आप जो आपके पास में जा रही हैं, आप सोच रहे हैं रिकॉर्डेड क्लासेस हम देख ही लेंगे यार क्या जरूरत है लाइव में जाने में, लाइव क्लासेस में डिसिप्लिन रहता है कि आपका रोज टॉपिक आपका सिलेबस कवर हो रहा है। रिकॉर्डेड में होता है कल से कर लेंगे परसों से कर लेंगे और वो सारा का सारा आपका इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम को बचते हैं आपके 20 से 25 दिन, वीडियो हो जाते हैं यहाँ पर 100, अब वो कैसे देखोगे? फिर आप बोलते हैं इंपॉर्टेंट बता दो, तो ये काम नहीं करना है। अगर अभी आपके पास में एक घंटा नहीं है क्लास को देखने के लिए तो बाद में कहां से आपके पास में 3 घंटे आ जाएंगे क्लास को देखने के लिए, जबकि उस समय आपके पास में और भी सब्जेक्ट्स का बर्डन होगा। तो इसलिए आप अपने आप को गलतफहमी में रख रहे हैं कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस को देख लेंगे, आपको लाइव क्लासेस में आकर के उसी समय अपना टाइम टेबल बनाओ, जो क्लासेस होता है वैसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। हाँ जी, तो आपके पास में यहां पर मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो सम डिवाइडेड बाय 2, तो 10, और गैप कितने कितने का, 20 20 20 का गैप है तो 20 गैप देंगे, 30 50 70 90 110, ये हो गया मिड वैल्यू। उसके बाद हम यहां पर FM कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास में आ गया 170, यहां पर 30 F1, यहां पे आपके पास में 30 5 150 और 2 5 10 160, 1600, और 70 F2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? 179 0 और 120 132, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट? सॉरी 171 आएगा ना, अब बच्चे यहां पर आपके पास इसका सम करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का सम होगा और फ्रीक्वेंसी का सम तो आपके पास में क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, मीन आपको गिवन है। तो आइए फ्रीक्वेंसी का हम सम करते हैं, टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 120, वैसे फिर भी हम सम कर लेते हैं, समीशन ऑफ एफ हमारे पास में क्या है, सेवनटीन प्लस 32 प्लस 19 68 प्लस F1 प्लस F2, तो यहां पर मुझे F1 प्लस F2 समीशन F, तो मेरे को ऑलरेडी ये बने तो ये मैं इसको 120 लिखूंगा इसकी जगह पर, 68 प्लस F1 प्लस F2 एंड F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 120 माइनस 68 एंड F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 120 माइनस 68 52, क्लियर है बच्चे, समझ गए?
अब उसके बाद आपके पास में समीशन FM, तो आप करेंगे 170 प्लस 1600 प्लस 171 प्लस 1320, गड़बड़ हुई है, जीरो आएगा यहाँ पे, 170 प्लस 1600 प्लस 1710 प्लस 1320, 4800 प्लस 30F1 प्लस 70F2, ये हमारे पास समीशन FM की वैल्यू है। अब आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीन इक्वल्स टू समीशन FM अपॉन समीशन F, एंड मीन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, मीन की वैल्यू हमारे पास में है 50 और समीशन FM की वैल्यू हमारे पास में 4800 प्लस 30F1 प्लस 70F2 और अपॉन प्लस 70F2 अपॉन में समीशन F। तो समीशन F क्या है हमारे पास पे, समीशन F तो ऑलरेडी गिवन हमारे पास है 120। क्लियर है बच्चे, सॉल्व करते हैं हम, पर बच्चे 60 और ये 20 6000 और माइनस 4800, कैलकुलेशन का पार्ट है ना, यहाँ के मल्टीप्लाई यहाँ के माइनस, इक्वल्स टू 30F1 प्लस 70F2, आगे सॉल्व करेंगे 1200, 30F1 प्लस 70F2 इक्वल्स टू 1200, 10 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3F1 प्लस 7F2, जब 10 कॉमन ले लेंगे ना यहाँ पे आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 1200, तो इससे ये कट गया, तो आपके पास में फाइनली 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 120। क्लियर है बच्चे, अब देखेंगे जरा, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो हमारे पास में F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52 और एक हमारे पास में है 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 120। अब आपके पास में कोई दो वेरिएबल है F1 एंड F2, किसी दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट सेम होने चाहिए, तो मुझे F1 का कॉफिशेंट सेम कर रहा हूं मैं, तो इसके आगे तो 3 है बट यहां पे 3 नहीं है, तो मैं पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, तो ये 3F1 हो जाएगा प्लस 3F2 हो जाएगा और 156 हो जाएगा। क्लियर है, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो साइन चेंज कर देता हूं, प्लस है तो माइनस, सबके साइन चेंज होंगे, अब सॉल्व करेंगे तो ये एलिमिनेट हो गया, ये आपके पास में 4F2 आ गया इक्वल्स टू आपके पास में 120, ये माइनस में F2, फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव होती नहीं है बच्चे, नेगेटिव वैल्यू कैसे आ गई यहां पे, 3F2 और 50 तिया 150, 2 तिया 656 और वो 120 वैल्यू है, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है, अच्छा यार मैं भी है ना फ्लो में, देखिए कितना ब्लेंडर मिस्टेक करा है, समझ रहे हैं आप क्या कर दिया मैंने, बच्चे दोबारा इरेज कर रहा हूं मैं एक बार, फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, तो पूरा मामला बिगड़ गया है, 170 प्लस 1600 प्लस 1790
तो हमारे पास में 3560 प्लस 30F1 प्लस 70F2 ये है बेटा, ठीक है। तो मीन हमारे पास में 50 है एंड इक्वल्स टू समीशन एफ एम 3560 प्लस 30F1 प्लस 70F2 अपॉन समीशन एफ। तो समीशन एफ क्या हमारे पास में 120। ये तो आपके पास में 6000 आएगा ही और माइनस 3560 इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लेंगे ना यहाँ से हम, तो हमारे पास में रहेगा 3F1 प्लस 7F2। आगे सॉल्व करेंगे 6000 माइनस 3560 2440 इक्वल्स टू 10F1 प्लस 7F2 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 244 क्लियर है बच्चे, समझ में आया। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, तो इक्वेशन में हमारे पास में है F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 52 और दूसरा हमारे पास में है 3F1 प्लस 7F2 इक्वल्स टू 244। अब हमें कोफिशिएंट सेम करना है एक का, तो इसके आगे 3 लगाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो 3F1 प्लस 3F2 इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे 156। साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कैलकुलेशन का पार्ट है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कैलकुलेशन में बेसिकली के प्लस माइनस कैसे करते हैं, टू वेरिएबल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप सही बच्चे 244 माइनस 156 एक बेसिक कैलकुलेशन की जो है वीडियोज हैं जिसमें कि आपको एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेशन कैसे एलसीएम लेते हैं, ये बेसिक जो टर्म्स होते हैं, अगर आप भूले हुए यहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो ये आपके काम आएगा। तो F2 इक्वल्स टू 22 और आपको पता है कि F1 प्लस F2 22 इक्वल्स टू 52 है, क्लियर है बच्चे। तो F1 इक्वल्स टू 250 एंड 30 F1 इक्वल्स टू 30 तो ये दो फ्रिक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है बच्चे।